Bismillahirrahmanirrahim. Students, assalamu alaikum. Today we have to start lecture number 9. The main topic of lecture number 9 is properties of multiplication. The main topic of lecture number 9 is properties of multiplication. ये properties of multiplication हम पहले भी lecture number 8 में repeat कर चुके हैं. The product of two integers is always an integer. पहली property क्या है? The product of two integers is always an integer. इसकी example है 3 को minus 5 से multiply करें minus 15 answer आएगा, या minus 5 को 3 से multiply करें तब भी answer minus 15 आएगा. दोनों सूरतों में आंसर क्या आएगा आपके पास? माइनस 15. 3 इंटू माइनस 5 और माइनस 5 इंटू 3, आंसर विल बी माइनस 15. द सेकेंड प्रॉपर्टी इज चेंजिंग द ऑर्डर और द ग्रुपिंग. ऑर्डर को चेंज करें या ग्रुप चेंज करें. Does not alter the product. Product को alter नहीं करेगा. Product वही आएगा जो 30 है. आप 2 और 5 का group बनाएं या 3 और 2 का group बनाएं. पहले 2 को 5 से multiply करें. 2 को 5 से multiply करने से क्या आएगा? 10. 10 को 3 से multiply करें. 30. इसी तरह 3 को 2 से multiply करें. 6. और 6 को 5 से multiply करें. कितना आएगा? 30. दोनों सूरतों में आंसर क्या आएगा आपका? 30. फिर एक दफा रिपीट करता हूं, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर. एग्जांपल इसकी है 3 इंटू माइनस 5 माइनस 15 माइनस 5 इंटू 3, दिस विल बी आल्सो माइनस 15. दोनों सूरतों में आंसर माइनस 15 आएगा. चेंजिंग द ऑर्डर और द ग्रुपिंग डज नॉट आल्टर द प्रोडक्ट. एग्जाम्पल 3 इंटू 2 इंटू 5. 3 इंटू 2 इंटू 5, 2 और 5 का ग्रुप बना लें. 2 5 आर 10. 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा? 30. 3 और 2 का ग्रुप बनाएं. 3 2 आर कितना हो जाएगा? 6. 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा आंसर? 30. दोनों सूरतों में आंसर 30 आएगा. तीसरी सूरत में एनी इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज जीरो. जीरो को किसी भी इंटीजर से, चाहे वो नेगेटिव हो और चाहे वो पॉजिटिव हो, जीरो को माइनस 7 से मल्टीप्लाई करें जीरो, और जीरो को 100 से मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर जीरो होगा. जीरो को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करें, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा. ये क्वेश्चन में भी ये प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी, ये सारी प्रॉपर्टीज. उसके बाद अगली प्रॉपर्टी है द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू इन मल्टीप्लिकेशन. द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू इन मल्टीप्लिकेशन. कैसे? 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 5. 6 प्लस 5 ग्रुप में है. पहले 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें, फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें. 2 को 6 से करें 12, 2 को 5 से करें 10. ठीक है, फिर उनको ऐड करके आंसर लिख लिए. उसके बाद 6 माइनस 5 ग्रुप के अंदर है, फिर 2 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस, फिर 6, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें. 2 6 आर 12 और 2 5 आर 10. 12 में से 10 माइनस करें तो आंसर 2 आएगा. ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी. अब आप आ जाएं एक्सरसाइज नंबर 4E. एक्सरसाइज 4E आपने इसके कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं? क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करने हैं. क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4. 3 में पहला पार्ट है माइनस 18 को आपने डिवाइड करना है 3 पर. तो 3 को जब आप माइनस 18 पर डिवाइड करेंगे इसका आंसर माइनस 6 आएगा. जैसा कि यहाँ पर देखें माइनस 18 डिवाइडेड बाय 3. सोल्यूशन में आप देखें इसको, यहाँ से सोल्यूशन आइए, माइनस 18 को आप डिवाइड करें 3 पर तो आंसर इसका क्या आएगा? माइनस 6. 3 6 आर 18.
3 पॉजिटिव है और 18 नेगेटिव है, डिवाइड करने से माइनस प्लस माइनस ही आएगा, ठीक है। उसके बाद अब आप आ जाए बी पार्ट पर, बी पार्ट का देखें माइनस 24 है और इसको किस पे डिवाइड करना है, माइनस 6 पे। अगले पेज पे चले, यहाँ पर यहाँ देखें माइनस 24 को डिवाइड करना है माइनस 6 पर, माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, 6 कितने टाइम्स 24, 6 4 जार 24, इसका आंसर आ जाएगा प्लस 4, इसका आंसर क्या आ जाएगा प्लस 4। अब आप आ जाए सी पार्ट पे, सी पार्ट पे देखें यहाँ पर सी में माइनस 620 को आपने डिवाइड करना है किस पे, माइनस 4 पे, माइनस 620 को किस पे डिवाइड करना है, माइनस 4 पर। सी पार्ट में यहाँ सा देखें आप, माइनस 620 डिवाइडेड बाय माइनस 4, माइनस 620 कितने टाइम्स 4 पे डिवाइड होगा, 155 टाइम्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस और आंसर इसका क्या आएगा 155। उसके बाद आप आ जाएं डी पार्ट पर, डी पार्ट पे देखें माइनस 245 को माइनस 245 पे डिवाइड करना है, सेम नंबर को और सेम साइन वाले नंबर को दोनों को एक दूसरे पे डिवाइड करेंगे तो आंसर इसका क्या आएगा यहाँ से देखें प्लस 1, माइनस 245 को माइनस 245 पे डिवाइड किया आंसर क्या आया प्लस 1, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है। अब ई पार्ट पे आ जाएं, ई पार्ट देखें आप जीरो को किसी भी नंबर पे डिवाइड करें, मैंने आपसे बताया था जीरो को डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, दोनों सूरतों में आंसर जीरो आएगा। जीरो को अगर माइनस 81 पे डिवाइड करें, जीरो डिवाइडेड बाय माइनस 81 तो इसका आंसर क्या होगा जीरो। अब एक दफा फिर रिपीट करता हूं ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कोशेंट, कोशेंट निकालना है आपने, यानी बड़े वाले को अंदर रखना है पहले वाले को और दूसरे वाले को बाहर रखना है और उसको डिवाइड करना है, या आप डायरेक्ट डिवाइड करके आंसर भी लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए आप ए पार्ट में माइनस 18 डिवाइडेड बाय 3, माइनस 18 को आप डिवाइड करें 3 बार, 3 6 आर 18, प्लस और माइनस माइनस, 3 6 आर 18 माइनस 6। बी पार्ट में आ जाए, बी पार्ट में आप देखें माइनस 24 डिवाइडेड बाय माइनस 6, माइनस 24 डिवाइडेड बाय माइनस 6, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 24 को 6 पर डिवाइड करें, 6 4 जार 24, इसका आंसर क्या आएगा प्लस 4। इसी तरह सी पार्ट पे देखें माइनस 620 को आपने माइनस 4 पे डिवाइड करना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर देखें सॉल्यूशन में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 को 6, 620 को 4 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर क्या आएगा 155। डी पार्ट पे आ जाएं, डी पार्ट पे देखें माइनस 245 माइनस 245 दोनों सेम है, दरमियान में साइन कौन सा है डिवीजन का, जब दोनों एक दूसरे पर डिवाइड होंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 245 से कट जाएगा, आंसर क्या आएगा प्लस 1। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आए, ई पार्ट पे जीरो को डिवाइड करना है आपने माइनस 81 पे, जीरो को जब आप माइनस 81 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका जीरो, क्योंकि मैंने आपको बताया जीरो को किसी चीज से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें आंसर उसका जीरो ही आता है, जीरो डिवाइडेड बाय माइनस 81 इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपने फिल इन दी ब्लैंक्स करनी है, यहाँ पर देखें इधर राइट साइड पे माइनस 42 है और लेफ्ट साइड पे 7, आप चाहें तो माइनस 42 को 7 पे डिवाइड करें, 7 कितने टाइम्स 42 होता है, 6 टाइम्स, तो यहाँ से आप देखें कि इधर माइनस है तो इधर भी माइनस आना चाहिए, क्यों 7 के साथ प्लस है, तो 7 6 और कितना होता है 42, तो यहाँ पर आपका फिल इन द ब्लैंक्स में पहला फिल इन द ब्लैंक्स क्या होगा माइनस 6, पहला फिल इन द ब्लैंक्स आपका क्या होगा माइनस 6। दूसरे पे आए, ये 64 को इस 8 पे डिवाइड कर दें, 8 कितने टाइम 64 होगा, 8 8 64, साइन कौन सा होगा माइनस का,
सॉरी, तो माइनस एट आएगा। इसमें बी पार्ट में फिल इन द ब्लैंक्स में आपका आंसर क्या होगा, बी पार्ट का माइनस एट होगा। क्यों? 64 को आप 8 पे डिवाइड करेंगे, 8 8 64। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए, यहां पर डिवाइड का साइन है, कौन सा साइन है आपका, डिवाइड का। तो आप 42 को किस पे डिवाइड करें कि आपके पास 1 आ जाए, पहले आपने 1 देखना है। 42 को 42 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन साइन यहां पर माइनस का है राइट साइड पे, तो आपने माइनस का साइन लगाना है। सी पार्ट में आप आंसर देखें, इसका क्या है, माइनस 42, तो यहां पर आपने लिखना है माइनस 42 डिवाइडेड बाय 42। ये क्वेश्चन में भी देख लें आप, यहां पर क्वेश्चन में आपको क्लियर नजर आएगा, यहां पर आप माइनस 42 लिखेंगे और माइनस 42 को डिवाइड करेंगे 42 पर, तो आंसर आपका क्या आएगा, माइनस 1। तो इसका आंसर होगा आपका माइनस 42। सी पार्ट के बाद अब आप आ जाए डी पार्ट पर। डी पार्ट में पहले ही 79 दिया हुआ है और साइन कौन सा है, डिवाइड का। 79 को किस पे डिवाइड करें कि हमारे पास आंसर 1 आ जाए, इसका मतलब है सेम नंबर पे डिवाइड करेंगे। सेम नंबर से मुराद क्या है, 79। 79 डिवाइडेड बाय 79, यहां से देखें बुक में से, ये देखें इधर 79 डिवाइडेड बाय 79, तो ये जो खाली जगह है ये फिल इन द ब्लैंक्स, यहां पर आपने 79 लिखना है। 79 को आपने 79 पे डिवाइड करना है, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 1। अब आ जाए आप आखिरी पार्ट पे, आखिरी पार्ट पे देखें 796 है। किस चीज को 796 पे डिवाइड करें कि आंसर हमारे पास 0 आ जाए, ये हमने पहले भी किया था एक, ये देखें ये ई पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का ई पार्ट। 0 को डिवाइड करते हैं, 0 जीरो को डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर पे, माइनस 81 पे करें तो आंसर क्या आएगा, 0। इसी तरह अगर हम 0 को डिवाइड करें 796 पे तो आंसर क्या आएगा इसका, 0। तो यहां पर आपने क्या लिखना है, 0 लिखना है। यहां देखिए बुक में से, इधर ई पार्ट, इधर आपने क्या लिखना है, 0। और ये दोनों क्वेश्चन आपने क्वेश्चन 3 और 4 ये कॉपीज पे आपने इस तरीके से हल करने हैं, जिस तरह ये सॉल्यूशन हल हुए हैं। पहले आपने ए पार्ट का क्वेश्चन लिखना है, फिर उसका सॉल्यूशन लिखना है, इस तरह बी पार्ट का क्वेश्चन फिर उसका सॉल्यूशन। ये सारे सॉल्यूशन आपको समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट फिर एक दफा देखें, माइनस 18 को 3 पर डिवाइड करें तो किसके इक्वल होगा, माइनस 6 के, 3 6 18। बी पार्ट में आप चले, यहाँ पर 6 कितने टाइम्स 24 होता है, 4, पहले 4 लिखें फिर माइनस माइनस लगा कर क्या आ जाएगा, प्लस लिखें फिर उसके साथ। 620 को पहले 4 पर डिवाइड करें, कितना आ जाएगा, 155, फिर माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। उसके बाद डी पार्ट में देखें, दोनों सेम है, -245 -245, दरमियान में साइन डिवीजन का है, तो आंसर इसका प्लस 1 आ जाएगा। इस तरह ई पार्ट में 0 को -81 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा इसका, 0 आ जाएगा। अगले पार्ट में देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में फिल इन द ब्लैंक्स, ए पार्ट 7 को किससे करें, 7 कितने टाइम्स 42 होता है, 6 टाइम्स, लेकिन साइन कौन सा है इसके साथ, माइनस का, तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या होगा ए पार्ट का, -6। इसका आंसर क्या होगा, -6। बी पार्ट पे चले, बी पार्ट पे देखें 64, 8 कितने टाइम्स 64, 8 8 64, यहाँ पर 8 लिखें लेकिन इधर साइन आप देखें कौन सा है, माइनस का, तो इसका मतलब है आप इसको क्या लिखेंगे, -8। -8 को माइनस प्लस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसके इक्वल आएगा, -64 के। उसके बाद सी पार्ट पे आए, इसके दरमियान में साइन पहले देख लें, यहाँ पर बुक में से क्लियर आपको नजर आएगा, ये देखें डिवीजन का साइन है, डिवीजन का साइन। अब डिवीजन का साइन है तो 42 को किस पे डिवाइड करें कि 1 आए,
यहाँ पर आपने 42 लिखना है, लेकिन साइन कौन सा है यहाँ पर माइनस का, तो इसका मतलब है आपने माइनस 42 को 42 पे डिवाइड करना है, आंसर इसका क्या आएगा -1। नेक्स्ट डी पार्ट, डी पार्ट में देखें ऊपर 79 है डिवाइडेड बाय 79 को किस पे डिवाइड करें, आंसर 1 आ जाए। तो सेम नंबर से आप इसको डिवाइड करेंगे, 79 को आपने 79 पे डिवाइड करना है, यहाँ पर यहाँ से देखें क्वेश्चन से 79 डिवाइडेड बाय 79 इज इक्वल टू 1, ये देखें 79, डी का आंसर क्या आएगा 79, 79 डिवाइडेड बाय 79 इज इक्वल टू 1। उसके बाद लास्ट पार्ट डी, 796 है, लेकिन आपने इसको किसी ऐसे नंबर पे डिवाइड करना है, किसी ऐसे नंबर को इस पर डिवाइड करना है कि आंसर किसके इक्वल आए, 0 के। तो 0 यहां पर आप लिखेंगे 0 डिवाइडेड बाय 796, 0 को किसी भी नंबर पे डिवाइड करें आंसर क्या आएगा, 0। तो ये वाला आपने क्वेश्चन कंप्लीट करके तो ये इसी तरीके से आपने मुझे चेक कराना है। ये आपका लेक्चर एंड हो गया।